ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई चारू जो अपने प्यार को लेकर काफी ज्यादा टूटी हुई थी क्योंकि उसके घर वालों बहुत अगेंस्ट थे इस शादी से और उसके इस रिश्ते से, फाइनली चारू जो है अब उस चीज से बाहर आ चुकी है और अब वो बाकी लड़कों से मिलने के लिए तैयार है और शादी के लिए भी राजी हो जाती है रूही के कहने पर। और यहाँ पर चारू की माँ जो है रूही को काफी धन्यवाद देते हुए भी नजर आ रही है। तो वही आगे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई मनीष जी की एनिवर्सरी पार्टी चल रही है और यहाँ पर मनीष जी नोटिस कर रहे हैं कि भाई काफी अननोन गेस्ट आए हुए हैं जिसको वो खुद भी नहीं जानते और यहाँ पर वो काफी कंफ्यूज्ड हैं कि भाई इन्हें किसने बुलाया है। तो वहीं उन्हें कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये पोद्दार फैमिली से रिलेटेड हैं ये सारे गेस्ट। तो अभी वो कंफ्यूज चल रहे हैं कि भाई आखिर इन्हें किस लिए बुलाया गया है मेरी एनिवर्सरी पर। और यहाँ पर हम आगे देखने वाले हैं कि भाई दादी सा एक बड़ा धमाका करती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एनिवर्सरी के दिन यानी मनीष जी के एनिवर्सरी पार्टी के दिन ही अरमान और रूही का रोका और एंगेजमेंट को अनाउंस करती है। वो कहती है कि आज इतने शुभ अवसर पर मैं इन दोनों का रोका और एंगेजमेंट दोनों ही साथ में करना चाहते हो। यहाँ पर मनीष जो है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि भाई वो ऑलरेडी काफी अगेंस्ट है रूही और अरमान की शादी को लेकर और यहाँ पर वो काफी दोनों मिलकर यानी कि दादी साहब एकदम ढीठ बनी हुई है तो वही मनीष जी भी काफी ढीठ बने हुए और दोनों चाह रहे हैं, एक जन चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इनका रिश्ता ना हो तो वही दादी साहब चाहती कि इनका रिश्ता हो और यहाँ पर खूब तमाशा भी होता है। और वही हम देख रहे हैं कि भाई अभीरा ये सब देख रही होती है सुन रही होती है और अभीरा मैडम जो है काफी ज्यादा टूट जाती है। और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अरमान और रूही जो है साथ में कपल डांस भी करते हैं लेकिन भाई यहाँ पर अरमान जो है रूही को अभीरा समझकर उसके साथ काफी रोमांटिक डांस करता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि भाई ये तो रूही है अभीरा नहीं है। तो भाई आगे यहाँ पर हम ये भी देखने को मिल रहा है कि माधव जो है वो अरमान को समझाएगा अभीरा के बारे में लेकिन भाई अभी अरमान जो है कुछ भी समझने को राजी नहीं होता और ये सारी बातें जो है अभीरा सुन लेती है। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि भाई मनीष जी के पैर में चोट लग जाती है तो यहाँ पर अभीरा उन्हें घर में लेकर आती है और सभी घर वाले काफी टेंशन में आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई मनीष जी जो है फाइनली रेडी हो गए हैं अरमान और रूही के एंगेजमेंट को लेकर। अब आगे यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई फाइनली अरमान और रूही की एंगेजमेंट होगी और यहाँ पर उनके सामने बैठी होगी अभीरा जी। हाँ, अभीरा के सामने यहाँ पर अरमान और रूही की एंगेजमेंट होने वाली है। तो वही कहानी में आगे एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई रूही और अरमान की वेडिंग प्लानर इस बार कोई और नहीं बल्कि अभीरा मैडम है।